साथियों, मैं कैप्टन आजाद फिजिकल एकेडमी इलाहाबाद से। आज मैं बहुत अपने एकेडमी से खुश हूं। जो हमारा कैप्टन आजाद फिजिकल एकेडमी है, परसों मैंने एक सिलेक्शन दिया था जिसका नाम था नगमा। उसी दिन एक और हुआ था, आप लोग बताया था कि दो सिलेक्शन हुआ है, उसमें एक नगमा और एक दीप्ति, जो आज आपके सामने ये दीप्ति खड़ी है। इन्होंने भी SSC GT में इन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ से गई थी दोनों, और दो गई थी और दोनों हो गई है। और हम आपको ये भी पता है कि हमने सिलेक्शन इतना दिया है दरोगा में, आर्मी में, और लड़कियों का भी और लड़कों का भी। आज दीप्ति को हम फूलों का माला पहनाएंगे। और मैं ये इतना खुश हूँ अपनी एकेडमी से, इतना खुश हूँ कि उसकी मैं बयान आपके पास नहीं कर सकता हूँ। जैसे ये लड़की आज अच्छा किया है, और ये बच्चे ऐसा ही, मैं करना चाहता हूँ कि बच्चे भी ऐसा ही करें, ठीक है। तो एक लड़की को मैं बुलाऊँगा और दीप्ति को माला वो लड़की पहनाएगी। आपके सामने खड़ी हो, पहनाओ। आपके सामने ये इनको माला पहनाया गया है, आपने देख भी लिया है। अब मैं इनसे इनका विचार पूछूंगा कि इन्होंने अभी तक एकेडमी में रहा है, इन्होंने क्या पाया है और क्या हासिल किया है, और कितने खुश हैं। इनसे एक एक करके मैं पूछता जाऊंगा। आपका शुभ नाम क्या है? दीप्ति केसरवानी। क्या नाम है? दीप्ति केसरवानी। दीप्ति केसरवानी नाम है इनका। और आप कहाँ के रहने वाली हैं? इलाहाबाद के रहने वाली हैं। इलाहाबाद का रहने वाली हैं। और आप एकेडमी कितने दिनों का ज्वाइन की हुई है? 5 महीने हो गए। लेकिन आपने पहले कैसा था और कहाँ कहाँ दौड़ाया गया, आपको कैसे कैसे हमने प्रैक्टिस लिया, थोड़ा सा बता दीजिए। पहले तो नहीं दौड़ पाते थे, 100 मीटर में थक जाते थे, 400 मीटर दौड़ नहीं पाते थे। इसके बाद 800 मीटर, फिर 1200 मीटर, फिर धीरे धीरे 1600 मीटर दौड़े हैं, तो बहुत दिक्कत हुई है, नहीं दौड़ पाते थे, लेकिन अब दौड़ लेते हैं। आपको यहाँ के अलावा वहाँ जहाँ भर्ती था तो ग्राउंड में भर्ती नहीं था, कहाँ था? रोड पर भर्ती था, इसलिए आपको हमने रोड पर भी लेकर गए। और आपका कई कई बार ट्रायल हमने लिया है, तो आपको वहाँ जाने से कुछ फ़ायदा हुआ क्या, रोड पर हमने आपका प्रैक्टिस लिया तो? यस सर, बहुत फ़ायदा हुआ। तो ग्राउंड पे टाइम नहीं आ रहा था, रोड पे ज़्यादा टाइम आ रहा था, मतलब रोड पे टाइम आ रहा था। आप जब दौड़ रही थी तो उन लड़कियों के 50, आपका बैच कितने का था? बैच 50 का था। 50 का बैच था। आपका कितने नंबर पर था? 5वें 6वें नंबर पर था। गुड, शाबाश। ये 5वें 6वें नंबर पर थी, ये अभी ये 5वें 6वें नंबर पर थी। तो ये हमारी एकेडमी का बहुत ये श्रेय जाता है कि आपको यहाँ तक पहुँच। आपका घर वालों का क्या विचार है कि अभी घर वाले कैसे खुश हैं? बहुत खुश हैं। हैं? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं ना। अभी आपका बच्चा क्या है? मेडिकल बचा हुआ। मेडिकल से बचा हुआ है, आप मेडिकल हो जाएगा। आपका एडमिट कार्ड कहाँ है? लेके आओ, पकड़ो उधर देखो। ये इनका एडमिट कार्ड है जो भर्ती होने के लिए मिलता है, ठीक है। ये पकड़ो, अभी इनको मिठाई खिलाएंगे। लेके आओ मिठाई, इन्होंने लेके आओ। मिठाई हमने खिला दिया और ये बहुत खुश हैं। अभी आपको एक नई चीज़ मैं बताने जाने चाहता हूँ कि 3-4 दिन पहले हमने रिटर्न का भी शुरू करा दिया है। 3-4 दिन पहले रिटर्न का शुरू भी करा दिया है, और इसमें हमारे बच्चे ये रिटर्न के लिए जाते हैं। तो ये एकेडमी के लिए दो चीज़ फ़ायदा हो गया है, एक तो फिजिकल भी यहीं होगा और रिटर्न भी होगा। तो इसके लिए एक बार ताली हो जाए। तो जिसको फिजिकल और रिटर्न की ज़रूरत है, वो कैप्टन आज़ाद फिजिकल एकेडमी इलाहाबाद में आ सकर अपना ज्वाइन कर सकता है। अभी हमारे आज बहुत खुशी का दिन था, वो आज हम ख़त्म हो रहा है। आगे फिर कोई इसी में से बच्चा खड़ा होगा
और ऐसा ही फूलों का माला पहनाऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन को दबा देना। जय हिंद, जय हिंद।